हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 92 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय। पिछली ऑडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या भूत वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। इस ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने पूर्वजों के बारे में कि जो हमारे पूर्वज हैं, यानी कि हमारे परदादा, दादा के फादर, पर दादा, उनके फादर आज वो कहाँ हैं। हो सकता है कि इस ऑडियो को सुनने से पहले कभी आपने इस विषय पे सोचा ही ना हो। आपके घर में आपके पिताजी हैं, उनके दादा हैं, उनके फादर आपके दादाजी हैं। हो सकता है कि घर में परदादा जी की तस्वीर भी ना लगी हो। पहले जमाने में ऐसे ही कैमराज होते थे, नहीं होते थे, या लगी हो तो आपने बस देखा हो, उनको प्रणाम कर लिया हो। कभी सोचा ही ना हो कि हमारे परदादा कौन है, उनके दादा कौन है, उनके दादा कौन है और वो आज कहाँ हैं। देखिए, जितना मैं समझ पाया उसके आधार पर आपसे चर्चा कर रहा हूं कि हम अपने पूर्वजों को तीन तरह से देख सकते हैं, या एक तरह से थ्री पार्ट्स में उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। एक, वो पूर्वज जिन्होंने भक्ति की और वो लिबरेट हो गए, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर गए। अब क्योंकि उन्होंने भक्ति की, मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो वो इस सब में कहाँ चले गए, वैकुंठ में चले गए। अब वो दोबारा से जन्म उस आत्मा का इस भौतिक संसार में नहीं हुआ है, वो वहीं पर एंजॉय कर रहे हैं। देखा जाए तो श्राद्ध आदि क्रियाओं का उनके लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मोक्ष पा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे, वो जिनको अभी भक्ति इनकम्प्लीट थी या भक्ति कम की, लेकिन फिर भी वो सदाचारी थे, और पहले के जमाने में ज्यादातर लोग सदाचारी हुआ ही करते थे। ये तो आज कल्चर आया है ज्यादा नॉन वेज खाने का और ड्रिंक करने का, जुआ खेलने का, पर स्त्री गमन का पहले इतना नहीं था। तो ज्यादातर लोग, मैं ये मान के चलता हूं कि पहले ऐसे होते होंगे जो अगर मोक्ष नहीं भी प्राप्त करते होंगे तो उच्च लोकों को प्राप्त करते होंगे, या एटलीस्ट मनुष्य जन तो उनको मिल ही जाता होगा, या जो भी। खैर, मैं उस डिटेल में ना भी जाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी श्रेणी में हमारे वो सारे पूर्वज आ जाएंगे जो अब दूसरे या इसी लोक में है, यानी कि नाउ दे हैव द बॉडी, उनके पास शरीर है। जरूर नहीं कि वो शरीर मनुष्य का हो, और जरूर नहीं कि वो इसी पृथ्वी पर हो, वो किसी भी लोक में हो सकते हैं, और किसी भी इसी लोक में या किसी भी लोक में किसी भी रूप में हो सकते हैं, पेड़ के रूप में, पंछी के रूप में, पक्षी के रूप में, है पशु के रूप में, किसी भी क्रिएचर के रूप में वो हो सकते हैं, किसी भी लोक में हो सकते हैं। 14 प्लेनेटरी सिस्टम में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कहीं भी वो विचरण कर रहे होंगे। ऐसे हमारे असंख्य, देखा जाए तो सोच के देखिए तो ये पृथ्वी कब से बनी है, उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हम हैं, तो हमारे कितने पूर्वज होंगे, शायद पता नहीं हजारों लाखों। तो उनमें से कुछ, जैसा मैंने कहा, मोक्ष पा गए होंगे, पहली कैटेगरी, और दूसरे जो अलग अलग लोकों में अलग अलग रूपों में विचरण कर रहे होंगे, इनके लिए श्राद्ध करना जरूरी है। जब हम श्राद्ध करेंगे तो उनको फायदा होगा, अनलेस कि हम एक बहुत प्योर भक्त हैं। मैं पिछली ऑडियो में भी ये बात कर चुका हूं कि जो भक्त है, हरि का भक्त है, भगवान कृष्ण का भक्त है, प्योर भक्ति कर रहा है, उसको इन सबकी जरूरत नहीं, लेकिन अदरवाइज ये सारी क्रियाओं की जरूरत है। विष्णु प्रसाद ऑफर करना होगा, उससे उनको लाभ होगा। और तीसरे, हमारे पूर्वज कुछ ऐसे होंगे जिनसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप हुए होंगे जो अभी तक उनको शरीर नहीं मिला, और वो भूत योनि में होंगे। इनके लिए तो श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विष्णु प्रसाद इनको ऑफर किया जाएगा तब इनको मुक्ति मिलेगी, और शायद मुक्ति के लिए इनको पहले मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर ये मनुष्य शरीर में भक्ति करके फिर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो अगर हम ये सोचें कि हमारे पूर्वज आज कहां हैं, तो ये तीन हिस्सों में हमने, जैसा कहा, डिस्कस किया। पहला, कुछ पूर्वज लिबरेट हो गए, मोक्ष पा गए, तो वो भगवान के वैकुंठ में। दो, अनेक योनियों में अनेक अनेक शरीर लेके अनेक अनेक लोकों में विचरण कर रहे होंगे। और तीसरा, जिनको शरीर भी नहीं मिला तो वो भूत प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे। तो इन दो बाद की श्रेणियों के लिए श्राद्ध, पिंड आदि क्रियाएं करना जरूरी है। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हम जो हमारे समाज में जो लोग हैं, जो
श्राद्ध आदि को भी करना नहीं चाहते, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उनको भी हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साल में एक दिन आप ये पूजा अनुष्ठान करें, विष्णु प्रसाद अपने पूर्वजों के नाम पर करें, तो इससे लाभ होगा। अब कोई सोच सकता है कि इतने सारे पूर्वज खाना हम एक, मतलब नेचुरली अगर हमारे, मैं कहूँ लाखों पूर्वज हैं, तो कोई लाखों जो है प्रसाद की थालियां तो हम रख नहीं रहे, तो क्या एक ही से सबको पहुंच जाएगा? तो ये भगवान की डिवाइन अरेंजमेंट है। अब सोच के देखिए, गोली हम पेट में खाते हैं लेकिन दर्द पूरे शरीर में कहीं पर भी हो वो उसको ठीक करती है, तो ये भगवान की अरेंजमेंट है। ठीक है, डॉक्टर की भी अरेंजमेंट है कि उसने पेन किलर बनाई है, गोली आपको खिलाई है, लेकिन गोली मुख से खाकर पेट में गई और वो पूरे शरीर के दर्द को खत्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम भगवान का क्रिएटेड है जिसको वो डॉक्टर यूज कर रहा है। ऐसे आज से 50 साल पहले अगर किसी को बताया जाता कि व्हाट्सएप नाम की कोई चीज आएगी जिसमें आप कोई भी मैसेज डाल दो, वो एक बार में 100 कंट्रीज में बैठे हुए 100 लोगों को एक ही वक्त में मिल जाएगा, तो शायद 50 साल पहले इस बात को इमेजिन करना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता। इसी तरह से अगर हम कहें कि हमने आज जो खाना श्राद्ध में पिंड में ऑफर किया, वो 100 अलग अलग लोगों में हमारे 100 अलग अलग पूर्वजों को एक ही वक्त में मिल जाएगा और उससे उनको फायदा होगा, तो ये संभव है। भगवान ने ये सब व्यवस्थाएं बनाई हुई है। अलग अलग देवी देवता इस काम के अंदर हेल्प करते हैं। आप सोचिए ना, भगवान की बनाई हुई अरेंजमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हम मन में कुछ भी सोचते हैं और अचानक किसी का फोन आ जाता है, बहुत कुछ होता है ना, तो ये भगवान की व्यवस्थाएं हैं, आप इन पर शक ना करें। और अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो मैंने कहा फिर ये श्राद्ध पिंड आदि की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको ये क्रियाएं करनी चाहिए। और जो लोग इस चीज को डिस्करेज करते हैं या इस चीज का मजाक उड़ाते हैं कि एक साइंटिस्ट ने शायद ऐसा कुछ बोला कि ग्राउंड फ्लोर पे खाना रखा है और मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, तो या तो मुझे नीचे जाना होगा या खाने को ऊपर आना होगा, ऐसा नहीं है। आप भगवान की डिवाइन अरेंजमेंट्स को समझें, ये सब कुछ एक दैविक, एक डिवाइन अरेंजमेंट के तहत संभव है और इसको करना चाहिए। हरे कृष्णा।